वो भौंहें थोड़ी और ठीक करो ना रीमा बीबी। ठीक तो है, रुक सा, फिर मत। अरे यार ये क्या पागलपन है, दो दिन से इतना हैवी हैवी मेकअप हो रहा है ना कि स्किन में जलन होने लग गई, दाने अलग आ रहे हैं, पर तुम दोनों हो की? अरे दो मिनट की तो बात है, सिर्फ पिक्चर ही तो क्लिक करना है, जिंदगी भर के लिए यादगार रहेगा, है ना? हाँ, और आपके बच्चे भी तो देखेंगे कि उनकी अम्मी दुल्हन बनके कितनी अच्छी लग रही थी। अब हमारा मतलब है कि हमारे बच्चे देखेंगे। रीमा बीबी आप छोटी बीबी को लेके चलिए, हम ना उन्हें लेकर आते हैं। उन्हें किने? अरे रुक रुक, उन्हें किने? अरे उन्हें, उन्हें क्या? मतलब अब सब कोई कैमरा के सामने थोड़े रहेंगे, कैमरा के पीछे भी तो कोई रहेगा ना। वही फोटोग्राफर? हाँ करेक्ट, फोटोग्राफर। अब प्रोफेशनल फोटोग्राफर की तो जरूरत होगी ही ना शादी की फोटोज खिंचवाने के लिए, है ना? ये सब जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है। चल अब तू ये पहन ले। चल कहाँ खिंचना है फोटो? फोटोग्राफर कहाँ है? हमें तो कोई नजर नहीं आ रहा। अंदर है आपके कमरे में, आप चलिए। तू मेरे कमरे में क्यों? हाँ। घर तुम्हारा है, हमारा नहीं, हमें कैसे मालूम होगा? दरवाजा बंद है, यहाँ पर सोफा भी नहीं है, तुम कहाँ सोओगे? बेड पर। तो हम कहाँ सोएंगे? तुम जानो। देखो जब तुम हमारे घर पे थी तो हमने तुम्हें हमारा बेड दिया था, आज हम तुम्हारे घर पे, तो जायज सी बात है हक हमारा बनता है इस बेड पर। ठीक है, हम जमीन पर सो जाएंगे। नामुमकिन है, हमारे सामने एक लड़की जमीन पर सोए और हम बेड पर, हो ही नहीं सकता। ठीक है, हम बेड पर सोएंगे, तुम जमीन पर सो जाना। पता था हमें, आज हम तुम्हारे मेहमान हैं और तुम इस बेड पर आराम से सोओगी और हम जमीन पर। अच्छा लगेगा तुम्हें? तो क्या हमें तुम्हारे साथ इस बेड पर सोना पड़ेगा? वो दोनों उठ गए हैं। ठीक है, ये चाय उन्हें दे दो जाके, और चाय देके वहां बैठ मत जाना, मुझे नीचे आके सब बताना कि उनके बीच की दूरियां खत्म हुई कि नहीं हुई। आंटी आप टेंशन मत लो, हम आपको एडवांस में ही बता रहे हैं, आप बस खुश हो जाइए कि रीमा सिंह ने इंतजाम ही ऐसा किया था। अच्छा, ऑल द बेस्ट।
मॉर्निंग, इससे ज्यादा बैड मॉर्निंग तो हो ही नहीं सकती। क्या यार तुम लोग भी, हमने कितनी प्यारी और रोमांटिक सी सेटअप की थी। दुश्मन भी होता है ना, वो भी अपनी मॉर्निंग और नाइट दोनों गुड कर लेता। अच्छा तुम दोनों एक बात बताओ, निकाह के टाइम तुम दोनों ने एक दूसरे को हाँ बोला भी था या फिर ऐसे ही मुंडी हिला दी थी? निकाह कबूल करने के लिए सिर्फ एक पल लगता है, सिर्फ एक पल जैसा आपने देखा, मगर जिंदगी चीजों को कबूल करने के लिए वक्त तो लेती है ना, और यही है फर्क निकाह और जिंदगी में। तो फिर तुम दोनों को कितना वक्त चाहिए? वो तो पता नहीं, अगर तुमने इतनी मेहनत की उसके लिए सॉरी। लगी रहो, मेहनत करती रहना, कोशिश करो। I hate you. I love you too. कबीर, वैसे तो अलीना भी जिद कर रही थी, कह रही थी भाई भाभी को लेने के लिए वो भी हमारे साथ चलेगी। हमने मना कर दिया, हमने कहा सलमा बहन के ऊपर बहुत बोझ डाल दिया। अरे नहीं, अरे और वैसे भी जारा की अगली रस्म अपने घर में होनी चाहिए। अगली रस्म? जारा की हाथ लगाई की रस्म आज कर रहे हैं ना हम। वाह, खीर तो वो अपने हाथों से बनाएगी आज, लेकिन वाह वाह तो आप ही की होगी। आयशा बहन संभाल लीजिएगा आप उसे, फिर जारा से कोई कमी ना रह जाए। मालूम पड़ा तारीफ की बजाय ना हमारे नाम की लानतें सुनने पड़ जाएं उस बेचारी को। सलमा बहन कैसी बातें कर रहे हैं आप, हम खुद सारा इंतजाम देखेंगे बस। पता नहीं अल्लाह को कौन सी नेकी हमारी पसंद आ गई, जो हमारी जारा को ना उसके ससुराल में भी एक और मां मिल गई। बहुत बहुत शुक्रिया सलमा बहन, आप बस दुआ कीजिए कि हम दोनों को उन दोनों पे नाज हो। आमीन। अब जल्दी से हमारी जारा बिटिया को बुलवा दीजिए, हमें जाते वक्त शाह बाबा की दरगाह में हाजिरी भी भरनी है। हाँ बिल्कुल, बुलाते हैं अभी। जी लंबी लंबी दुआएं क्या मांग रही थी अल्लाह पाक से? आपको तो सब पता है बच्चों, फिर क्यों पूछ रही हैं? सारी दुनिया एक तरफ और कबीर एक तरफ, हम अल्लाह पाक से कबीर को ही मांगेंगे। अल्लाह तुम्हारी हर दुआ बहुत जल्द कबूल करे। आमीन सुमामीन। जानते हो रुखसार, हमारे सीने पे सांप लौटते हैं जब इस घर में उस काजी की बेटी के नखरे उठाए जाते हैं। सुबह सुबह अम्मी हमें हुक्म देकर गई है, बोल के गई है कि आज जारा के हाथ लगाई की रस्म है, आज वो मनहूस खीर बनाएगी। सारे रिश्तेदार आएंगे, गली मोहल्ले वाले आएंगे, उसकी खीर चखेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, और ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा।
आप इतना परेशान क्यों होती हैं? ये हाथ लगाई की रस्म उसके लिए होगी, लेकिन हमारे लिए एक मौका है, उसे जलील करने का मौका। उसने पहले ही दिन इस घर में आपकी बेइज्जती की थी ना वज्जो, उस बेइज्जती का हम बदला लेंगे। उसे और उसकी माँ की परवरिश को पूरी दुनिया वालों के सामने बदनाम करेंगे। ये पेन बरसों से हमारे साथ है और हमारी जिंदगी के बहुत अहम फैसले इस पेन से लिखे गए हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि इस पेन ने हमेशा ही सच का साथ दिया है। और आज इस दुआ के साथ ये पेन हम आपको सौंपते हैं कि आप भी हमेशा सच का ही साथ देंगे। इंशाअल्लाह खासी साहब, इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तुम्हारे लिए। ये क्या है माँ? खुद ही खोल के देख लो। हमसे ही टूटा था ना तुम्हारा फोन। उससे बेहतर मंगवाया है तुम्हारे लिए। अब रोज हमें फोन करना, जब तक हम रोज तुम्हारी बकबक नहीं सुन लेते ना जारा, हमारे दिल को सुकून ही नहीं मिलता। अच्छा ठीक है, हम आपको रोज फोन करेंगे, लेकिन आपको हमसे एक वादा करना होगा। अब क्या? आप अपनी वो कैल्शियम वाली दवाई रोज खाएंगे। ठीक है, जरूर खाएंगे। तुम हमारी फिक्र मत करो, अपना घर बसाओ बेटा। अब ये नहीं, ये तुम्हारा घर है। जी अम्मा, लेकिन अम्मा शादी के बाद रिश्ते थोड़ी बदल जाते हैं। बच्चों को हर हाल में अपने माँ बाप की खिदमत करनी ही चाहिए। सच कह रही है अम्मी, हम आपको अम्मी कह सकते हैं? बिल्कुल, ज़ारा सच कह रही है। माँ बाप की नाराजगी अल्लाह की नाराजगी होती है। सदा खुश रहो, सलामत रहो, जीते रहो, खुश रहो बेटा। अपना ध्यान रखिएगा। रुखसार, अभी भी वक्त है, एक बार फिर सोच लो। अब क्या सोचना है बच्चों? आप नहीं चाहती कि सबके सामने जारा की बेइज्जती हो? चाहते तो है, शादी वाले दिन हमारी जो बेइज्जती हुई थी हम उसे भूले नहीं है, इसलिए जो कुछ भी करना सोच समझ के करना। बच्चों, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, किसी को पता नहीं चलेगा कि ये सब हमने किया है। बड़ी बहू जी, हम खीर का सामान ले आए हैं। तो खीर क्या हम यहाँ बनाएंगे? बावर्ची खाने में बनेगी ना खीर, तो सामान वहाँ लेके जाओ, यहाँ क्यों लेकर आए हो? बच्चों, आप ही ना कमाल करती हैं, जो दिल में होता है उसे चेहरे पे ले आती है। आपको आपके जज्बात काबू करना बिल्कुल नहीं आता। अरे अब हमने क्या किया? अरे क्या जरूरत थी उसे डांटने की? लोगों को दिखाओ कि आप उनकी खुशी में बिल्कुल खुश, मगर अंदर अंदर क्या चल रहा है वो किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हमारे जैसा बर्ताव करो। ज्यादा दादी अम्मा मत बनो, तजुर्बे की सुनो, कभी कभी अपनी अहमियत दिखानी पड़ती है रुखसार, वरना लोगों को फायदा उठाने में वक्त नहीं लगता, समझे? मामी, यहाँ क्यों रुका है?
दरगाह पर हाजिरी देते हुए चलते हैं। तुम भी चलो कबीर। अम्मी आप अच्छे से जानती हैं कि ये सब बातें हम नहीं मानते। तुम तो मानती हो नजारा जी। अल्लाह अपने वलियों पर रहमत की बारिश बरसाता है, जो कोई भी इस बारिश में जाएगा वो भीगेगा ही। जो इस दुनिया से गुजर चुका है वो किसी की कोई मदद नहीं कर सकता। मदद तो सिर्फ अल्लाह पाक ही करते हैं, मगर अल्लाह और उसका वसीला, उनकी दुआएं भी कुछ कम असर नहीं करती। तो फिर ठीक है, हम और तुम चलते हैं, आओ। जी। हाँ हाँ चलो, ये लो तबर्रुक। अमित आप अच्छे से जानती है कि अल्लाह के नाम के सिवा हम और किसी के नाम का कुछ नहीं खाते। हम तबर्रुक समझ के दे रहे हैं, तुम मीठा समझ के खा लो। जिद मत कीजिए। कुछ चीजें बड़ों की खुशी के लिए कर लेनी चाहिए। बड़ों की खुशी के लिए तुमसे शादी की है? जरा बात कम और खुशी की नहीं, बात है उसूलों की। चलिए अमित। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सीनत कहाँ है? हम यहाँ हैं अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज के फंक्शन की वैसी ही तैयारी कर रहे हैं जैसा आप चाहती हैं। सारी की सारी तैयारियाँ ये रुखसार ने ही तो की है। खुश रहो बेटा। एक रात ससुराल में कैसी रही कबीर? ठीक थी रुखसार। आप लोग बातें कीजिए, जरा काम है हमें। ठीक है बेटा। जारा बिटिया तुम भी फ्रेश हो जाओ, आज तुमको बहुत अच्छी खीर बनानी है। हाथ लगाई की रस्म है ना? जी अम्मी। किचन किचन में सारी तैयारी हो गई? जी अम्मी सब ठीक है। खाना बन चुका है, खीर का सारा सामान रख दिया है, दूध उबाल दिया है, चावल भिगो दिए हैं, बस ड्राई फ्रूट्स कट रहे हैं। अच्छा, मगर फिर भी आपको लगता है कि कोई चीज की कमी ना रह जाए तो आप एक बार देख लीजिए। देखना तो पड़ेगा, अगर कोई कमी रह गई तो मोहल्ले वाली 100 बातें सुनाएंगी। जारा के हाथ की बनी खीर वो लोग पहली बार खाएंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि हर जुबान पर जारा के लिए तारीफ और दुआएं निकले। हम किचन में देख कर आ जाइए। माफ कीजिएगा, आज आपकी दिल की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती।
क्योंकि आज आपकी छोटी बहू की तकदीर में बदनामी लिखी जा चुकी है।